Guru Nanak liberated the four directions by the Tare Char Chakra. The four directions and the nine dimensions of the earth. Now Khanda Prithvi Sacha Dhova Gurmukh Kal Vich Pargat Dhova. So Baba Ji, Guru Nanak Sahib is Yug Vich Aaya Kad Taran Guru Nanak Aaya. Aur Aap Bhi Bade Pyar Naal Gunati Jog Aaya Sade Naal Gao Kad Taran Guru Nanak Guru
और गुरुवंश खाप की वाणी में से ये शब्द पतित पुनीत होए।
ऐसी वस्तु विसाइए
जैसी निब है नार, क्योंकि जो सब कुछ है यही रहता है, यही है, पर ऐसी वस्तु विसाई है जैसी निब है नार जो हमारे साथ चलती है। पाई रे राम का हो चित लगाए, चित लगा के राम को, ये ना तुम्हारा मन कहीं है, राम कहीं है, आप कहीं है, ऐसे नहीं। गुरु तेग बहादुर कहते हैं मन कर कबू ना हर गुण गाए, मन से कभी नहीं, मान कर कभी नहीं गुण गाए। मंदिर में नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, आ भी गया है तो मन से नहीं, मन कहीं है। मन कर कब हूं ना हर गुण गाए, हर जस पाई ने राम कहो चित लाए, हर जस बखर ले चलो शौ देखे पतिया, गिरी और हाथी सब में राम है, कहां छोटा बड़ा जिधर भी देखो, कटकट में हरजू बसे संतन के हो पुकार। जो महापुरुष उन्होंने यही कहा बार बार की हर जगह तेरे में भी मेरे में, बस ये छोड़ना। अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे, एकल मन एकल चिंता राख अनंता, अब सजो सब आसा रे, एकल चिंता राख अनंता, अब सजो सब आसा रे, एकल चिंता अमृत जो सब ठाकुर को दास रे, ओ ठाकुर को
कम है जो ठाकुर के दास है वो ठाकुर। आगे मैंने हनुमान जी के ऊपर आके दर्शन किए तो मुझे याद आया श्री राम जब लंका थोड़े दिन पहले दिवाली गई है लंका में आए सुनने वाली बात है। आप सबको जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आए तो कहने लगे कि भाई ऐसा कोई मैं आयोजित करना चाहता हूँ कि जहाँ पे मैं मेरे जितने सूरवीर हैं मैं सबको सम्मानित करूँ। वो दिन भी आ गया श्री राम जी हरि को बुला बुला के बड़े बड़े उपहार दे रहे हैं भाई आपने मुझे ये जो इसमें जीत दिलाई इस जंग में युद्ध में अब भाई बड़े हर को गले लगा रहे हैं। जब हनुमान जी सामने आए तो सीता जी कहने लगे प्रभु आपसे एक मेरी विनती है बोले कहने लगे कि मैं इन्होंने मेरी जब कोई भी वाटिका में रावण की वाटिका में मैं अकेली थी कितने दिनों से कुछ भी मेरे मन में दुख ही दुख था तब इन्होंने आस की किरण में मेरे मन में जब ये वह प्यारे हनुमान जी तो ऊपर से आके मुंदरना जब फेंका तो सीता जी ने ये तो श्री राम जी कहने लगी इनको मैं जो है वो मैं आज जो उपहार या गिफ्ट देना मैं दूंगी तथास्तु करो। रावण के जो सबसे बड़ी कीमती माला थी वो सीता जी के पास थी सीता जी ने वो माला अपने गले से सबसे कीमती रावण के खजाने से वो माला हनुमान जी को ये लो ये सबसे कीमती चीज है हनुमान जी ये सबसे कीमती है हनुमान जी। अच्छा जी तो उसको जब बाहर जा रहे हैं कभी उसको सुन रहे हैं कभी उसको कान से लगा रहे हैं कभी देख रहे हैं बार बार सुन रहे हैं लोग भी देख रहे हैं क्या कर रहे हैं ये माला को कभी कान से लगा रहे हैं कभी इसको स्मेल करने की कोशिश करते हैं क्या है इसमें क्या कर रहे हैं। बाहर आए जब बाहर आ गए वहां पे एक कॉर्नर पे बैठ के उन्होंने एक पत्थर लिया उससे माला को तोड़ा और जो जितने मनके थे उसको एक एक को मार के तोड़ रहे वीरान कर दी सारी माला तोड़ तोड़ के एक एक मन का माला। सीता जी भागते आए कह रहे मुझे ये क्या तो बानर के बानर रहे नहीं कहने लगे आपने कहा था ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है तो मैं इससे देख रहा था क्या मुझे इसमें राम का नाम सुन रहा है इसमें सुन रहा था कि इसमें राम की खुशबू आती है इसमें कोई परमात्मा की खुशबू है इस कान से लगाता था कोई आती है कान में कोई आवाज प्रभु कहने लगी ये सब ड्रामे हैं ये केड़ी तो छुट्टी लाई पहले की बातें हैं कभी होता है ऐसा कहने लगी आपका आप कहते हैं राम ना कहता है माता जी सुनिए जिस दिन मैं राम की खुशबू ना लू राम को देख ना लू परमात्मा को याद ना कर लू मेरे लिए तो कोई की कहने लगी आपका इतना बड़ा शरीर है कहाँ है राम तो हनुमान जी कहने लगे तो आपने वो तस्वीर देखी होगी अपनी छाती को दो टुकड़े खींच के अलग करके कहा देखो इसमें कौन वो आपने तस्वीर में देखी होगी तो राम का प्यार हो इस कदर हो राम आपकी सांस सांस में बसा हो रे मन राम से होकर प्रीत सर्वण गोविंद गुण सुनो हर गाओ हरसना गीत रे मन राम से होकर प्रीत सर्वण अपने कानों से गोविंद के गुण सुनो और गाओ रसना से क्या करो राम के गीत गाओ। और नामदेव जी कहते हैं कि जब लगता गावा हो गई तब तक बिसरे राम सने कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक सुई में धागा डालो तो कितना टाइम लगता है कुछ भी नहीं मैं इतना भी नहीं उससे परे हो सकता। तो आपने ये जो सुना है ये जो आनंद है जो मानने वाले हैं उनके लिए सब बातें हैं जो नहीं मानने वाले तो इस बातों में क्या मिलता है सिर्फ अपने दिल में प्यार आता है। सुन साखी मन जब प्यार अजामल उदरिया कहे एक बार
अजामल ने अंत काल में अजामल जी बहुत बड़े डाकू थे पर ऐसी करनी हुई नारायण 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 करते थे तो आप बड़े प्यार से महाराज भी लिखिया करो द्रौपदी को ये कैसे मिला था बख्शिश
जिंदगी ने कोई दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, कोई चंगा काम नहीं। अभी पंडित जी कह रहे थे कि बाबा आखे आजियां शुभ अमला बाजो, सुन लो सारे हिंदू मुस्लिम, तुसी दोवें सुन लो, जिदे काम नहीं चंगे। फरीद साहब कह रहे हैं फरीदा अमल जो कीते, दुनिया विच मुसलमान है, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। द्रौपदी कुपीन मात्र देई जो मुनी सरे, ये भी भाई गुरदास जी, ताते सलामत गयो बसन परवाजी, तनक कंदल जगदीशरे दे सुदामा, ताते पाए चतुर पदार्थ अथाजी, दुखत गजेंद्र अरविंद गए भेट राखे, ताते कंजे चतुर पा दसे ग्राजी, कहा को करे कछु भूत ना कहू के किए, जाति प्रभु मान ले सबे सुख ताजी। पंपड़कोट सारे द्रौपदी के दूत ना पार वसंदी, कैसी वो बख्शिश मिली द्रौपदी कुपीन मत। सुबह स्नान कर रिया नदी पे और अब आप ही सब कर्म परमात्मा आप ही, जिसको जो परमात्मा की नजर के नीचे आ जाए। एक ऋषि जो कि उसे श्राद्ध कर रहे हैं, उन्हें भी कुपीन, कुपीन का मतलब होता है जो अपने वो वेश के में बांधते हैं उसको कुपीन कहते हैं, सवा गज कपड़ा होता है उसको कुपीन कहते हैं। उनकी कुपीन पानी में बह गई तो कहने लगे बेटा कोई भी हो तुम मुझे थोड़े सा साड़ी का पल्लू फाड़ के दे दो। द्रौपदी कहते जी सतवचन महाराज। द्रौपदी शुरू में ही बड़ी दानी बचपन से, मेरे बड़े भाग साड़ी का पल्लू निकाला और बहाया, हाथ में नहीं आया ऋषि जी को, फिर आवाज दी बेटा हाथ नहीं आया, और लो जी फिर तीसरी बार, जब वो दूसरी बार भी नहीं हाथ में आया, तीसरी बार कहने लगी महाराज अगर इस पर हाथ ना आया तो मैं नग्न हो जाऊंगी। कहने लगे हूं अजकार की मेनू तू दान से पहला अपने वालों करते नहीं है, हूं रब के नाम से दान कर, अब राम के नाम पे दान करो, परमात्मा का नाम लो और फिर मुझे दान दो। जब द्रौपदी ने नाम लिया प्रभु का और कपड़ा बहाया हाथ में आ गया, कहने लगे द्रौपदी तुम्हें कोई नग्न करने वाला इस कोई जमीन कोई आपको नहीं कर सकेगा। तो आज भी सभा में यही है, जो दिता लिए अपना अण दितिया किछ हथ ना आवे, जो हम करते हैं वही मिलता है। मंदा चंगा गुरु नानक साहब की बाणी है, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पाका। तो सत संग जीओ। एक भाई साहब कहेंगे कि सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, हाँ बोली सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, हाँ जी ये भी वचन मुझे छोटा सा याद आया, हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे। अर्जुन जो थे बड़े बड़े दानी थे, जो उनका पहला जन्म था, बहुत बड़े भगत थे, उनकी एक ही विशेषता थी जो भी कोई आता अतिथि उसको खाना खिलाने के बिना घर से नहीं जाने देते। तो आज श्री कृष्ण जी भगवान ने सोचा कि इसकी आज मैं इसकी मैं परीक्षा लेता हूं, भाई भूखा हूं कुछ खिलाओ, आइए हजूर, सारा दिन रोटी पका रहे हैं वो खा रहे हैं, कहीं थोड़ा सा और भूख कभी नहीं आई, फिर पकाया फिर आटा गूंद रहा फिर पकाया, सारा दिन प्रसाद खाया सारा दिन रोटी खाई। शाम को कहने लगे यार अब मैं खाना बहुत खा लिया, मुझे कोई सवारी चाहिए, कोई सवारी लेके आओ। कहने महाराज जी अब जंगल में कौन सी सवारी, आइए आप मेरे कंधारे पे बैठे। जो कंधारे पे उठाया या इस तरफ चलो, उस तरफ जाए नहीं यार मैं भूल गया हूं इस तरफ चलो, फिर इस तरफ चलो। उसको सारी शाम उसको कंधारे पे बैठ के प्रभु सवारी कर रहे हैं, साथ में हंस रहे हैं और बड़े गुस्से में भी है, पर बोल कुछ नहीं रहा अर्जुन।
अखीर चिकाय लगी जब जब कहने लगा हाँ प्रभु आ गया मेरा घर ये है तो गुस्से में थे बड़े कहने लगे सालिया हुंदे उतर जा कि सालिया हुंदे उतर जा तो प्रभु ने कहा मैं किसी तरह भी किसी हाथ में मैं तेरा सारा जरूर बनूंगा। जब सुभद्रा को श्री कृष्ण ने बलराम आए ना बड़े गुस्से में क्यों तेरी बहन को क्योंकि तुम वो कोई ले गया है तुम्हारे बाजू नहीं फटके तुम्हारी बहन को। कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है बह जा ये सुन ये कथा इसने मुझे कहा था सालिया को उतरना नहीं तो उसी मैं जो इसने मेरे साथ किया था तो जो भी प्रभु से प्यार करता है मैं भगतन का भगत मारे सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी मैं भगतन का भगत हमारे हमारे सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी भगतन काज लाज हो छोड़ो पैर त्याग लेता हूँ जय जय भीड़ बड़ी भगतन पर मैं ताता जाग छुड़ाओ जिसने भी अपनी जिंदगी में सेवा की जिसने भी नाम लिया जिसने भी जो भी उसकी शरण में आया तो गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते हैं सच कहूं सुन लियो सबे सिर्फ पैसे ते कहन लगा हूं कि दुनिया च इंसान है ना जिनको चार कोटियां ने वो भी कोटी दा जिनको नहीं आ गया वो भी कोटी दा कहंदा पैसे बिन पिता पूत को कबूत कर पैसे बिन माता कहे मेरे को राई है पैसे बिन चाचा भतीजे को तीजा कहे पैसे बिन भैन के तू किसका भाई है पैसे बिन सास कहे ब्याही को त्याग दे पैसे बिन सोरा कहे किसका तू जवाई है पैसे बिन नार कहे मेरे पैसे बिन नार कहे मेरे भाड़े मर गया एवं बला मापिया मेरे गल पाई कहे कवि कालिदास पैसे की है कम राज इस जग में भाई पैसे की वड्याई है पर एक एक गल होर पैसा पैसा कर जो हरगोबिंद साहब महाराज गए ना गुजरात महाराज जी तुम तो पता होना फिर उतों के दौला शाह वकील से बड़ा कहते जवान तो महाराज तो बड़े जवान राणिया घोड़े उन्हें लश्कर से बड़ा कहन लगा महाराज नु वेख के कहन लगा वाह घोड़ा वाह जोड़ा फकीर नु कहन उत्ते फिर हरगोबिंद साहब महाराज ने कहा सी दौलत गुजरान है इस्त्री ईमान है ते पुत्र निशान है इन वचन गुरु हरगोबिंद पातशाह छेवें पातशाह जिन्ना ने ये भी वचन मैं सुनांदा जावा मैं माफ करना बोलना असि ग्वालियर गए जदों ये वचन सुनन आया मेरी माँ पापा जी असि दोनों बड़ा ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਦੋ ਜੋੜਾ ਸ਼ੇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 500 ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 500 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਪੌਂਡ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸੀ 7 ਫੁੱਟ 'ਤੇ 6 ਇੰਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਈ 7 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਹੱਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਗਏ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਢਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰ ਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ समाप्ति करते हैं क्योंकि कथा करने वाले को बस चांस मिलना चाहिए तो जब तक तो फिर हाय तो फिर भी वो छोड़ दे तो हमारे महाराज जी
नानक सतगुरु पूरा भेटिए पूरी होए जुगत अपना गुरु सतगुरु पूरा भेटिए पूरी होए जुगत संदिया खलंदिया पनंदिया कमलदिया पीछे होवे मुख तो आपको परमात्मा ऐसे ही आपके चेहरे पे खुशी रहे। आओ ये शब्द पढ़ के फिर की करते हैं खेत जो संडे गुरुद्वारे जो प्रधान जो माफ करना चाहते संगत जो साधन नहीं को कर सकता चाहते तीन चीजें मिले आओ बड़े प्यार से तीन चीजें होर मुसलमान की सेवियां हिंदुआ की खीर सिखा का कड़ा प्रसाद तीन चीजें कमाल ने बाद हमारे पिताजी ने कहना कि जब सुदामा और कृष्ण जी गए तो उन्होंने माने दिए ना थोड़े से चने खाने को तो सुदामा ने अच्छी तरह सुना वो सुनने की बस थोड़ा जोर बात है तो वो जो चले गए तो उसने उसको चलो को अपनी जेब में अब देखो जो परमात्मा गरीबी देता है इंसान के जो उसका मन का भाव होता है रात में दोनों जब एक पेड़ पे चढ़े हुए हैं बारिश हो रही है रास्ता नहीं है तो किशन कह रहे मुझे भूख बड़ी लगी है और सुदामा कहता है कि जब मैंने कहा कि मेरे पास चने हैं तो आप उसमें हमें शेयर करने पड़ेंगे और सुदामा चने चुरा के मुंह में डाल लेता है तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आई कहने लगे तो कुछ खाना कहना नहीं लगा हजूर सर्दी से मेरा जरा काम रहा हूं तो श्री किशन कहने लगे जाओ सुदामिया दलिदरी किया जाओ सुदामिया हमारे पिताजी ने कहना अगर कड़ा प्रसाद होगा तो खाता रहा पता ही नहीं लगना कि यूज किया गया तो आओ बड़े प्यार से तो आओ आओ गुरु नानक साहब की सिफत करके हम लोग आपसे मेरी दुआ है आप सबके लिए श्री भगवान आपको हमेशा माता और साईं जी आप पे हमेशा मेर भाई मैं तो एक बात जानता हूँ जैन जैन जिसकी लग्न है ना तैन तैतीस का राम जैन जैन जिसकी लग्न है तैन तैतीस का राम भाई जो जो है तुम्हें परमात्मा धनगे में खुश रखे सेहत बख्शे आपके परिवारों में सुख रहे